हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के द्वारा नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। विद्यार्थी परिषद का खराब परीक्षा परिणाम को लेकर हल्ला बोल। यह खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है, जहां जबलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का खराब परीक्षा परिणाम को लेकर हल्ला बोल। स्टूडेंट से जबरन परीक्षा फीस वसूलने को लेकर कॉलेज में धरना प्रदर्शन। जानकारी के अनुसार साइंस कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य प्रमुख शुभांग गोटिया और संगठन के अन्य छात्रों ने कॉलेज के परीक्षा परिणाम बेहद खराब आने के चलते कॉलेज प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाते हुए धरना दिया। साथ ही कॉलेज प्रबंधन पर छात्र छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर अवैध वसूली लिए जाने को बताकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नाराबाजी करते हुए फीस वापसी करने की मांग की गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। वही धरना प्रदर्शन पर बैठे एवीवीपी शुभांग गोटिया ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन की वजह से इतना खराब परिणाम आया है। यह पहली बार हुआ है जब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या अन्य कोई सब्जेक्ट के छात्र छात्राएं हों, 70% बच्चे फेल हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। या तो यहाँ के प्रोफेसर इस लायक ही नहीं जो छात्र छात्राओं को ढंग से पढ़ा सके, या फिर परीक्षा परिणाम की चेकिंग में गड़बड़ी की गई है। साथ ही सरकार ने असंगठित कर्मचार के बच्चों की फीस पूरे पाठ्यक्रम में शासन के द्वारा वहन की जानी थी, मगर इसके बावजूद छात्रों को कॉलेज प्रबंधन ने फीस भरवाई गई। इस पर विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि छात्रों की फीस वापस की जाए, और वहीं दोबारा जल्द से जल्द बिना किसी फीस के पुनः मूल्यांकन की जाए। इस पूरे मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि 70% बच्चे फेल नहीं है, जिनका परिणाम अच्छा नहीं आया है लगभग 30% हैं। और वहीं जो छात्र संगठन फीस के बारे में यह बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फीस शासन द्वारा निर्धारित की गई है वही छात्रों से ली गई है। देखिए जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। जबलपुर महानगर द्वारा साइंस कॉलेज में प्रदर्शन किया गया, जिस प्रकार से एक ही विषय में 70% बच्चे जो फेल किए गए, उसकी बात को लेकर मांग मनवाने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम सभी प्राचार्य से मिलने गए। तब उन्होंने मिलने से मना कर दिया, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज कॉलेज का गेट बंद किया तथा चक्काजाम किया। यदि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। सर्वम सिंह राठौर, महानगर मंत्री। आज साइंस कॉलेज में महाविद्यालय में हम लोगों ने जब प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे कॉलेज प्रिंसिपल को सूचना दी तो उन्होंने यहाँ पे बाहर आने से इनकार कर दिया, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पे कॉलेज प्रशासन के गेट में तालाबंदी करी है। और यहाँ पे जो 70% बच्चों को फेल किया गया है, जिसमें कई सब्जेक्ट हैं बीएससी और कई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कई छात्र फेल हुए, 70% जो खराब रिजल्ट आया है, उसके लिए आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। और आज विद्यार्थी परिषद प्रिंसिपल
प्रिंसिपल से ये मांग करती है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और 500 रुपए की जो अवैध वसूली की जा रही है बच्चों से वो बंद करके बिना किसी फीस को लिए उनका वापस मूल्यांकन कराया जाए। शुभांग गोटिया, महा विश्वविद्यालयीन कार्य प्रमुख, जबलपुर। ने कॉलेज में आपको एक ज्ञापन दिया है और जो 70 लोगों के रिजल्ट के बारे में कहा है, क्या एक्शन उसमें आप? क्या है, आंकड़े जो है गलत पेश किए जा रहे हैं। मैंने जो है रिजल्ट कहने से मतलब, मैंने खुद जाके जब बच्चों ने पहले बताया था खुद जाके देखा, 30% बच्चे हैं, लेकिन वो जो है उनके बारे में भी अपन जो है एक समिति बना के जो उनका प्रावधान है परीक्षा के तहत वो कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अवैध वसूली जो 500 रुपए का, नहीं नहीं वो सारी फीस शासन के द्वारा निर्धारित है, हम लोगों ने कोई डिसाइड नहीं किया है।